नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज रात्रि का शो देखकर ये हमारे दो साथी निकले हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि पद्मावती फिल्म आपको कैसी लगी? सर बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है। इसमें ऐसा कोई भी जो है सीन नहीं है जो विवादित सीन हो, कोई भी सीन नहीं है सर। पद्मावती को लेकर इतने विवादित बयान आ रहे थे, इतना धरने प्रदर्शन हो रहे थे और इतना हानि हुई है देश के अंदर, तो पद्मावती के बारे में आपने जो देखा फिल्म को वो बताएं प्लीज। देखिए, पद्मावती का जहाँ तक है, पद्मावत एक मलिक मोहम्मद जायसी जी का लिखा हुआ काव्य है, उसी के आधार पर ये फिल्म बनाई है। और जहाँ तक जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जब तक पिक्चर रिलीज नहीं हुई तो इसका मतलब किसी ने देखी नहीं। आप बिना देखे विरोध कर रहे हैं तो मतलब आंख मीच के आप विरोध कर रहे हैं। आप देखकर उसका विरोध करते तब तो बात समझ में आती, लेकिन बिना देखे विरोध कर रहे हैं, इससे बड़ी अंधभक्ति या मतलब आंख मीच के दौड़ने वाली बात, गड्ढे में गिरने वाली बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात, पद्मावत देखने से मुझे जो समझ में आया, जो चित्तौड़ के राणा हैं रावल रतन सिंह जी, उनके एक महामंत्री हुआ करते थे, उनके पुरोहित हुआ करते थे, तो स्वाभाविक एक पुरोहित हैं तो ब्राह्मण थे वो। ब्राह्मण उसमें दो चीज दिखाई हैं कि एक तो उसकी चरित्रहीनता दिखाई है। चरित्रहीनता मैं किस तरह से कह सकता हूं कि फिल्म में जब राणा रावल रतन सिंह और उनकी महारानी पद्मावती, जब उनके आंतरिक पल होते हैं, अंतरंग पल होते हैं, मिलन के पल हैं, वो पंडित जाके उन्हें देखता है। एक तो तुम पुरोहित हो, पंडित होके, पुरोहित होके तुम आंतरिक पलों को देख रहे हो, प्राइवेट पलों को देख रहे हो, इससे ज्यादा चरित्रहीनता क्या होगी। और जैसे ही रानी को पता लगा और राणा को पता लगा, उसने एकदम अपनी जो कटार थी वो फेंक के मारी, जो उसके लगी, जिससे उसे पता लग गया कि भाई ये है दोषी, और वो बाद में उसका सिद्ध हुआ। और उसके बाद में उसने इस चीज का बदला लेने के लिए एक तो चरित्रहीनता दिखाई, दूसरा उसका बदला लेने के लिए उसने राणा को धमकी दी कि तुझे घुटने टेकने होंगे, और वो जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिला। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर हमले के लिए लाने वाला, उकसाने वाला वो ब्राह्मण था, वो पुरोहित था। तो जहां तक विरोध की बात है, मैं समझता हूं शायद लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि एक ब्राह्मण की चरित्रहीनता और उसका एक राजा के साथ में द्रोह करना, गद्दारी करना, शायद विरोध इसलिए होगा लोगों, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और दूसरी जो उसमें बात मुझे नजर आती है कि रावल रतन सिंह जी को जो दिखाया है, आप राजपूत शान की बात कर रहे हैं, आप राजनीति में हैं और राजनीति नहीं समझ रहे। वो व्यक्ति आपके घर पे आता है और आपसे कहता है पद्मावती महारानी की जो है मैं उसको देखना चाहता हूं, और वो तुम्हारे घर में बैठा है, चाहे कोई भी हो, वो राजा हो या अतिथि हो या कोई भी हो, अगर आपकी महारानी का अपमान कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, उसकी गर्दन वही काट देनी चाहिए थी। लेकिन उसने नहीं काटी कि नहीं मेरा मेहमान है, और उसी मेहमान ने फिर तुमको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, अब बुला के तुम्हें बंदी बना लिया, अब बंदी बना के लिया आपने वहां पे दिल्ली में लाके तुम्हें जो उसमें रखा सलाखों के पीछे, फिर वही महारानी आपको आके बचाती है। और उस समय भी जिस समय बचा रही है उस समय भी तुम मिलने जा रहे हो, और उस समय वो अलाउद्दीन खिलजी घायल है, तुमने तब भी नहीं मारा उसको, अबे तो काहे की राजनीति करते हो तुम, ये झूठ मूठ की मूछ लेके आप ये हल्ला गुल्ला कर रहे हो, राणा बने फिर रहे हो, इसका क्या मतलब है। अगर आप होते, जहां राजपूत की बात है तो मैं कहता हूं मैं ही नहीं पूरा देश, अगर एक किसी राजपूत की बात करता है मान सम्मान, जिसने अपना रखा देश का कायम किया, वो तो वो है महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह ने अपनी इज्जत नहीं बेची, अपना मान सम्मान नहीं बेचा, घास की रोटियां खानी मंजूर की उन्होंने, जंगलों में रहना मंजूर किया। और हमें गर्व है, हर किसी को गर्व है कि महाराणा प्रताप हमारे देश में पैदा हुए, हम उस देश में जीते हैं जिसमें महाराणा प्रताप हैं। ऐसे अगर आप राणा होते, ऐसे आप राजपूत होते, फिर तो सही बात थी, लेकिन आप जबरदस्ती की मूछें ऐंठ रहे हो और पिट रहे हो, और आपकी मूर्खता का ये परिणाम निकला कि न केवल आप मरे, आपने अपनी सारी सेना मरवा ली और सारी रानियां उन्हें जौहर दिखाना पड़ा। अपना क्या करती वो बेचारी, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने आग में जलना ही ठीक समझा, वरना तो यहां युद्ध के बाद में औरतों की जो दुर्गति होती रही है उसका कोई अंदाजा लोगों को नहीं है, जो इतिहास पढ़े हैं वो जानते हैं। यह मेरा कहना जो मुझे नजर आया, और ये तो मैं जो उसमें दिखाया उसके आकलन आपको करके बता रहा हूं। जहां तक फिल्म की बात है, ठीक है फिल्म,
इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आप उसे कहें कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मुझे कहीं दूर दूर तक उसमें नजर नहीं आता कहीं राजपूतानी शान पे कहीं कोई धब्बा लगा है। हाँ, अगर इसको मान लें कि भैया राजपूतानों का झूठ और बेवजह की झूठी अकड़ जिसमें वो खुद मर गए और मरवा दिया सब कुछ, और वो ब्राह्मण की चरित्रहीनता और उसकी गद्दारी अगर दिखा दी, वो दुनिया को ना दिख जाए, उन्हें ना पता लग जाए कि ब्राह्मण कैसे हैं, क्षत्रिय कैसे हैं, इस बात पे अगर आप विरोध कर रहे हो तब तो एक अलग बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। करणी सेना को लेकर जो इतना विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या ये सही है या नहीं है? देखिए, करणी सेना का जो विरोध है वो पूरी तरह से राजनीतिक संरक्षण के तहत हो रहा है। उसको केंद्र सरकार का, भाजपा सरकार का और भाजपा की सभी राज्य सरकारों का पूरा संरक्षण है, ये प्री प्लांड है, और इसमें करणी सेना को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो राजपूत समाज के जो नौजवान साथी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि उन लोगों को पहले पिक्चर देखनी चाहिए, उसके बाद में विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, और जैसे वहां भी शुरू हो गया है बिहार में, कहीं का भी हो, ये पूरा राजनीतिक संरक्षण इनको मिला हुआ है, उनके माध्यम से किया जा रहा है, टीआरपी के लिए, जो राजनीतिक टीआरपी है उसके लिए ये सारा का सारा किया जा रहा है। दूसरी बात, ये सब कुछ जो मुख्य मुद्दे हैं समाज के, जैसे भूख का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकारों, उसकी राज्य सरकारों और भाजपा सरकार, उनका सारा का सारा ये प्री प्लांड वो है। इसके अलावा और जो इनके साथ में जो किया जा रहा, ये जो कोरेगांव की जो घटना हुई, जहां पे जो है बहुत से मतलब गाड़ियां फूंक दी गई, एक व्यक्ति की उस हादसे में मृत्यु भी हो गई, उससे दलित समाज, जो बहुजन समाज है, उसका जो वो आंदोलन है जिसके विरोध में जिसकी वजह से आवाजें उठ रही थी, तो उनसे भी ध्यान भटकाने के लिए ये सारा का सारा मामला खड़ा किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। असली मुद्दे हैं, केंद्र सरकार उसमें आने नहीं देती, बार बार इसी तरह के मुद्दे उखाड़ती है और ध्यान भटकाती है लोगों का, तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। सर, आपने बाहुबली भी देखी होगी और आप पद्मावती भी देखकर आ रहे हैं, दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको ज्यादा बेहतर लगी? सर, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो विरोध हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसा विरोध करने लायक कोई भी सीन नहीं है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, इंटरेस्टेड फिल्म है, इसको देखने लायक फिल्म है, और मैं तो गया ही इसलिए था कि इसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसलिए मैं चलो फिल्म को देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी सीन नजर नहीं आया जो विरोध के लायक। पद्मावती का कोई बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग, कुछ ऐसी चीज है जो बेस्ट आपको लगे वो बताए प्लीज। नहीं, पद्मावती में डायलॉग तो आप कह सकते हैं कि क्षत्रिय है, वो जो बोलते हैं उनका नाम मुझे ध्यान है, शाहिद कपूर जो राणा रावल रतन सिंह बने हैं, वो जो डायलॉग बोलते हैं कि क्षत्रिय है वो है जो अपनी शान के लिए मिट जाए, क्षत्रिय वो है जो सर कट जाए लेकिन धड़ फिर भी लड़ता रहे, वो क्षत्रिय है, वो राजपूत है, तो डायलॉग ये बढ़िया है। हालांकि महारानी पद्मावती ने जो बोले हैं वो भी डायलॉग बहुत अच्छे हैं। और जैसे अभी आपने इनसे पूछा कि बाहुबली में और इसमें कौन सी फिल्म है, पर मैं अपनी तरफ से, मेरे से पूछा नहीं, पर मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बता सकते हैं कि बाहुबली फिल्म, उसकी तकनीक, उसकी स्टोरी और जिस तरह से उसका फिल्मांकन है, पद्मावती उसके सामने, पद्मावती ये पिक्चर है उसके सामने कहीं नहीं ठहरती, वो बहुत जबरदस्त फिल्म है। और हमें खुशी है कि इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टर फिल्मकार हमारे देश में अब हैं, जो हॉलीवुड की तरह पिक्चरें बनाते हैं, तो बाहुबली का कोई मुकाबला नहीं, बाहुबली हर एंगल से बहुत बढ़िया पिक्चर है। पद्मावती ही नहीं, बहुत सारी फिल्मों के अंदर डिस्क्लेमर लगा होता है कि इस फिल्म का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, फिल्म को किस तरीके से देखना चाहिए, भावनाओं से देखना चाहिए या एंटरटेनमेंट से देखना चाहिए? देखिए, दोनों चीजें हैं। फिल्में जो है, मैं जो कहूंगा फिल्म का, टीआरपी के लिए तो फिल्म का जो है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दोनों चीजें मैं देखनी चाहिए। फिल्मों में बहुत अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं, हमें उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, वो फिल्म भी समाज का दर्पण है, और उसका असर साहित्य से ज्यादा पड़ता है। जो लोग साहित्य पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग फिल्में देखते हैं, तो फिल्म को इस एंगल से भी देखना चाहिए कि क्या उसमें दिखाया जा रहा है, समाज को किस रूप से दिखाया जा रहा है, समाज की हकीकत क्या है, क्या मसाला मिलाया जा रहा है,
और फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरफ से भी देखना चाहिए, मनोरंजन की तरफ से भी देखना चाहिए। लेकिन देखने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया हो तब तो मैं मानता हूं, बिना देखे अगर कोई प्रतिक्रिया हो ये बात समझ के बाहर है। तो फिल्म में कितने गाने हैं और आपको कौन सा गाना उसमें पसंद आया ये जरूर बताएं। देखिए फिल्म में जो गाने हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 3 गाने हैं फिल्म में, लेकिन जो घूमर वाला गाना है उसका कोई जवाब नहीं है। घूमर की एक लाइन अगर आपको याद नहीं, मां मुझे इस समय मुझे घूमर की लाइन याद नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से जिस तरह से वो डांस किया गया है और फिल्म का ने डायरेक्टर ने जिस तरह से दिखाया है वो प्रेजेंटेशन गजब की है। मैं इसमें कहूंगा कि संजय भंसाली जी ने जो ये दिखाया है इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डांस ये गाना दिखाया है। मुझे ध्यान नहीं है शब्द उसके, लेकिन घूमो घूमर घूमर इस तरह से बहुत ही बढ़िया दिखाया है, इतना ही मुझे ध्यान है इस विषय। खैर ये तो था इनकी राय, पद्मावती देखें ना देखें आप देख कर आए उसके बाद जरूर बताएं, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने भी पद्मावती का सीरियल दूरदर्शन पे देखा था जबकि कोई भी विवादित बयान हो कुछ भी नहीं था।